वेलकम बैक गाइस टू आवर सेकेंड टॉपिक ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन पीरियड। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो द मौर्यन पीरियड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर बिकॉज द फाउंडेशन फॉर इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर वर लेड ड्यूरिंग दिस एज। ओके गाइस, सो जो मौर्यन पीरियड है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ है, ठीक है, इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की हिस्ट्री में, क्योंकि जो फाउंडेशन हुई थी इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में वो इसी पीरियड में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। सो ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड स्कल्पचर यानी कि मूर्तियाँ जो होती हैं एंड आर्किटेक्चर हैड रेज्ड अ डेवलप्ड स्टेज। बहुत सी स्टेजेस डेवलप्ड हुई हैं यहाँ पे। द अशोकन पिलर्स, द एनिमल्स एंड द कार्विंग्स ऑन द पिलर्स ऑल रिप्रेजेंट मैच्योर आर्ट फॉर्म्स। ठीक है, जो अशोका की पिलर हो गई या जो एनिमल्स हो गए या पिलर्स पे जो कार्विंग की जाती थी वो सब एक मैच्योर आर्ट को रिप्रेजेंट करते थे। ओके, अ यूनिक फीचर ऑफ स्पेसिमेन ऑफ मॉडर्न आर्ट फैशन इन स्टोन इज पॉलिश एंड द स्मूथ ग्लॉसी सरफेस नॉट टू बी फाउंड ड्यूरिंग एनी अदर पीरियड। जो मॉडर्न पीरियड में था उसमें जो स्टोन थे उसको पॉलिश किया गया था, इतना स्मूथ बनाया गया था और जो उसकी सरफेस थी वो बड़ी ग्लॉसी टाइप की थी, वो किसी और पीरियड में नहीं पाया गया ना फाउंड किया गया। ठीक है, द टोटल ऑफ मौर्यन ट्रेजरी ऑफ आर्ट इंक्लूड। अब मौर्यन जो आर्ट होती हैं उसमें क्या क्या पाया गया था, टोटल कितनी पाई गई थी, क्या क्या सामान पाया गया था। द रिमेन्स ऑफ द रॉयल पैलेस, द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, अ मोनोलिथिक रेल एट सारनाथ, दी बोंडी मंडला और द अल्टार रेस्टिंग ऑन फोर पिलर्स एट बोधगया, द एक्सकवेटेड चैत्य हिल्स इन द बराबर एंड द नागार्जुनी हिल्स ऑफ गया इंक्लूडिंग द सुदामा केव्स बियरिंग द इंस्क्रिप्शन डेटिंग द 12th रीजनल ईयर ऑफ किंग अशोक। ओके, द नॉन एडिक्ट बियरिंग एंड एडिक्ट बियरिंग पिलर्स, द एनिमल स्कल्पचर्स क्राउनिंग द पिलर्स विद एनिमल्स एंड डिक्रोटिंग द एबैकी ऑफ द कैपिटल। ओके, एंड द फ्रंट हॉल ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट कार्व्ड आउट इन द राउंड फ्रॉम अ लाइव रॉक एट ढावली। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें मॉडर्न आर्ट में पाई गई थी। इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट द मॉडर्न आर्ट में सेट हैड टू बी एग्जिबिट मेनली थ्री फेजेस। तीन फेजेस में मौर्यन आर्ट को किया गया है। द फर्स्ट फेज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्री मौर्यन ट्रेडिशन, यानी कि जो मौर्यन से पहले का जो ट्रेडिशन था उसको फॉलो किया गया था, जिसमें से कुछ जो इंस्टेंसेस थे, एग्जाम्पल्स थे, वो वैदिक डाइटीज़ के साथ मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल द रिलीफ ऑफ सूर्य एंड इंद्र एट भजा केव्स। ओके, सेकेंड फेज क्या था गाइज, कोर्ट आर्ट ऑफ अशोका टिपिकली फाउंड इन मोनोलिथिक कॉलम्स ऑन विच हिज एडिक आर इंस्क्राइब्ड, जो भी उसके वो आदेश थे उन सबको इंस्क्राइब्स किए जाते थे। ठीक है, थर्ड फेज क्या है मौर्यन आर्ट का, बिगनिंग ऑफ द ब्रिक एंड स्टोन आर्किटेक्चर। ठीक है, इसी समय जो थर्ड फेज था मौर्यन का उसी समय आपका ब्रिक और स्टोन आर्किटेक्चर स्टार्ट किया गया था। एग्जाम्पल के तौर में स्टूपा एट सांची, द मोनोलिथिक रेल एट सांची एंड द लास्ट वन इज लोमाशा ऋषि केव इन बराबर हिल्स। ओके गाइस, दैट वाज द इंट्रोडक्शन। नाउ वी गोइंग इनटू द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट वन, दे आर ऑल मॉन्यूमेंटल इन कॉन्सेप्शन एंड इन ऑर्डिनेटली फाइन प्राइस इन द एग्जीक्यूशंस। ठीक है, विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ रॉयल पैलेस एंड द सिटी बिल्डिंग्स ऑफ पाटलिपुत्र, all of them were executed in a hard grey sandstone of more and less dimensions, always very highly polished to a glossiness that has hardly any parallel in India or of later ages and the world in except in Iran। जो भी आपकी ये buildings थी, royal palace के जो remains पाए गए थे और पाटलिपुत्र की जो building थी, city थे, वो सब execute किया गया था और वो एक hard grey सैंड स्टोन में था, जिसकी डायमेंशंस ना ज़्यादा कम थी ना कम, ना ज़्यादा थी ना कम थी, और वो पॉलिश किया गया था, इतना उसको ग्लो किया गया था कि वो सिर्फ इंडिया में पाया गया था। ठीक है, इंडिया के एजेस में पाया गया था, पूरे वर्ल्ड में पाया गया था एक्सेप्ट इन ईरान। ईरान में कोई और सैंड स्टोन यूज़ करते थे। ओके, सेकेंड पॉइंट इज
द मौर्यन डिस्कार्डेड वुड एंड बैम्बू, मौर्यन ने क्या कर दिया था, वुड और बैम्बू को डिस्कार्ड कर दिया जिसको यूज़ करने से। परहैप्स ऑल्सो ब्रिक एंड क्ले टुक द एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्टोन एज द मटेरियल पार एक्सीलेंस फॉर द मोन्यूमेंटल स्कल्पचर ऑफ आर्किटेक्चर। मौर्यन ने वुड और बैम्बू का भी डिस्कार्ड कर दिया था और ब्रिक और क्ले का भी यूज़ करना बंद कर दिया था। उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था स्टोन का यूज़ किया था जो कि मटेरियल बेस्ट था, एक्सीलेंट था फॉर मोन्यूमेंटल स्कल्पचर्स के लिए। बेसिकली स्टोन्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। द ह्यूज रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट मेड अवेलेबल टू द आर्टिस्ट रेंडर्ड पॉसिबल द कंसेप्शन प्लानिंग एंड द एग्जीक्यूशन इन सच लार्ज एंड जिजेंटिक पोर्शंस। ओके, वाइल द पीरियड मार्क्ड अ सेकेंड ट्रांजिशन टू द यूज ऑफ ब्रिक एंड स्टोन्स, वुड वॉज स्टिल द मटेरियल ऑफ चॉइस ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ मॉडर्न पीरियड। जो उन्होंने मैंने बताया था आपको थ्री फेजेस में, बेसिकली उन सब में ज़्यादातर ब्रिक और स्टोन ही यूज़ करते थे, बट जो आपका वुड था वो जो अर्ली मॉडर्न पीरियड था उसमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता था। ओके, आफ्टर दैट थर्ड फेज तो ब्रिक और स्टोन का ही यूज़ किया गया है। उसके बाद जितने भी पीरियड्स आए उन सब में ब्रिक और स्टोन्स का ही मेनली यूज़ किया गया था। ओके, नाउ द मौर्यन फोर्ट। मेगास्थनीस मेंशन दैट द कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वॉज इनसर्कल्ड बाय अ मैसिव वुडन पैलिसाइड पीस्ड बाय अ लूप होल्स थ्रू विच आर्चर्स कुड शूट। मेगास्थनीस ने बताया था कि जो पाटलिपुत्र, द कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, उसको इनसर्कल किया गया था, उसको घेरा हुआ था एक वुडन पैलिसाइड से, जो उसमें एक थोड़े थोड़े लूप होल्स दिए गए थे जिसमें से जो आर्चर्स होते हैं वो आराम से उसको शूट कर सकें। इट हैड 64 गेट्स एंड 570 टावर्स, 64 गेट्स थे और 570 टावर्स थे इसमें। द आर्क्योलॉजिकल एक्सकवेशन कैरिड आउट एट बुलंदीबाग नियर पटना हैव डिस्कवर्ड द रिमेन्स ऑफ द वॉल्स ऑफ दिस पैलिसाइड। द आर्क्योलॉजिकल जो थे उन्होंने जो बुलंदीबाग में जो एक्सकवेशन किया था, बुलंदीबाग जो कि पटना के पास में है, वहाँ पर डिस्कवर किया था इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स थे, ठीक है। बुलंदीबाग वॉज एक्सकेवेटेड बाय डीबी स्पूनर इन 1912 एंड वॉज री एक्सकेवेटेड, यानी कि पहले डीबी स्पूनर ने किया था बुलंदीबाग को एक्सकेवेट, फिर उसके बाद री एक्सकेवेट किया हुआ था 1926-1927 में बाय जी ए पेज एंड एम घोष, रिजल्टिंग इन द डिस्कवरी ऑफ एन ई डब्ल्यू वुडन स्ट्रक्चर्स रनिंग एज एग्जीक्यूटेड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 137 मीटर्स, ठीक है। जो दोबारा री एग्जीक्यूट किया गया वो ई डब्ल्यू एक वुडन स्ट्रक्चर है, उसमें से उसको पाया गया था और वो 137 मीटर का डिस्टेंस था उसका। ओके, नाउ द सेकेंड इज रॉयल पैलेस। चंद्रगुप्त मौर्य बिल्ट हिज कैपिटल एंड प्लेस एंड पैलेस एट पाटलिपुत्र, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना कैपिटल और अपने प्लेस पाटलिपुत्र पर बनाया था। अशोका ने उस पर फर्दर इम्प्रूव किया था उसकी वॉल्स को और बिल्डिंग्स को। चंद्रगुप्त बिल्ट हिमसेल्फ अ मैग्निफिसेंट प्लेस विद द वुड एट पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने खुद एक खूबसूरत सा महल बनाया था, पैलेस बनाया था जो कि लकड़ियों का बना था पाटलिपुत्र पर। ओके, मेगास्थनीस हैज़ लेफ्ट अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वुडन प्लेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्ट्राबो द गिल्डेड पिलर्स जो थी वहाँ की वो गोल्डन वाइन से और सिल्वर बर्ड से बनाई गई थी, ठीक है। द प्लेस स्टोर जो जो आपका प्लेस था वो एक एक्सटेंसिव पार्क में खड़ा था और उसको घेरा हुआ था एक फिश पाउंड से, ठीक है। और उसमें क्या हुए थे कि फर्निश किया गया था इसको ऑर्नामेंटल ट्रीज और सिरप से। ओके, एक्सकेवेशंस कैरिड आउट बाय डीबी स्पूनर एंड एल ए वॉडल हैड ब्रॉट टू लाइट रिमेन्स ऑफ दिस ह्यूज वुडन बिल्डिंग एट कुमार नियर पटना। एक्सकेवेशन किसने किया था, डीवी स्पूनर ने और एल ए वॉडल ने, जो कि ये लाइमलाइट में आया था एट दैट टाइम, जो कि कुमार नियर पटना में पाया गया था ये वुडन बिल्डिंग आपकी, ठीक है, वुडन रॉयल पैलेस। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टूपास। अस्टूपा वॉज अ फ्यूनरल माउंड विच वॉज ओरिजिनली मेड ऑफ अर्थ बट लेटर ऑन ब्रिक एंड स्टोन। स्टूपा जो है एक फ्यूनरल माउंड होता है जो कि पहले बना था किसी अर्थ से,
बट बाद में उसको ब्रिक और स्टोन से बनाया गया था। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग चैत्य भी बोलते हैं, उसका मतलब होता है कि एक मॉन्यूमेंट होती है वो हम विच मीन्स अ मॉन्यूमेंट रेस्ट ऑन द स्पॉट ऑफ द फ्यूनरल पेयर। ठीक है, एक मॉन्यूमेंट खड़ा कर देते हैं हम लोग फ्यूनरल पेयर के सामने, इसलिए हम उसको चैत्य बोलते हैं। इट वॉज यूजली टू प्रैक्टिस द प्लांट ऑन अ ट्री ऑन द स्पॉट वेयर द डेड बॉडी वॉज बरीड और बर्न्ड। ठीक है, ये प्रैक्टिस की जाती थी एट दैट टाइम कि एक हम लोग प्लांट लगाएंगे जहाँ पे डेड बॉडी को जलाया गया है या फिर दफनाया गया है। ठीक है, द सेक्रेट ट्री इज़ ऑल्सो कॉल्ड चैत्य ट्री, वो जो ट्री हम लोग लगाते थे उस ट्री को हम लोग बोलते थे चैत्य ट्री। ठीक है, अ मॉन्यूमेंट वॉज रेज ऑन द स्पॉट टू इंश्राइन ऑफ अ डेड पर्सन इन द फॉर्म ऑफ ए बर्न्ड बोन्स एंड श्राइन्स। जो मॉन्यूमेंट वहाँ पे रेज किया जाता था उस स्पॉट पे, वो डेड बॉडी के फॉर्म में उसको बर्न उसके बर्न जो जले हुए शरीर और उसके राख से ही खड़ा किया जाता था। ठीक है, स्टूपा कंसिडर्ड ऑफ अ फॉलिंग एलिमेंट्स, जो स्टूपा है उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन से, ऑन अ लोअर बेस सर्कल, जो नीचे साइड बेस होता है, देर वॉज अ हेमिस्फेरिकल ड्रोम कॉल्ड अंड। ठीक है, जो स्तूपा का नीचे साइड का बेस होता है, सर्कुलर बेस होता है, उसके हेमिस्फेरिकल ड्रोम को कहते हैं अंड। ठीक है, द टॉप ऑफ द स्टूपा वॉज ट्रंकेटेड टू अकोमोडेट अनदर स्ट्रक्चर कॉल्ड हर्मिका। जो टॉप होता है स्टूपा का उसके साथ एक और स्ट्रक्चर को ट्रंकेट करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं हर्मिका। ठीक है, विच वॉज कंसिडर टू बी द सीट ऑफ गॉड, जिसको हम लोग बोलते थे कि गॉड भगवान की कुर्सी है या चेयर है। ठीक है, सीट है जहाँ भगवान बैठते हैं। इट वॉज इनक्लोज विद अ स्मॉल रेलिंग, वो एक रेलिंग से छोटी सी रेलिंग के साथ बांधा गया था, इनक्लोज किया गया था। इन द सेंटर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म वॉज फिक्स्ड अ पोस्ट कैप्ड बाय अम्ब्रेलास और छत्रवली। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के जो सेंटर में था उसको एक अम्ब्रेला और छत्रवली से क्लोज किया गया था, मतलब एक कैप टाइप की लगाई गई थी। ठीक है, उसको हम लोग छत्रवली भी कहते हैं हिंदी में। द पाथ ऑफ द सर्कमैम्बुलेशन यानी कि प्रदक्षिणा वॉज प्रोवाइडेड अराउंड द स्टूपा ऑन द ग्राउंड इनसाइड द रेलिंग। ठीक है, जो स्तूपा थी वहाँ पे एक वो दिया गया था प्रदक्षिणा, जो कि जो रेलिंग के अंदर का पार्ट था उसमें लगाई गई थी। ठीक है, अ सेकेंड प्रदक्षिणा वॉज प्रोवाइडेड अबाउट द मिडल ऑफ द ड्रोम बाई क्रिएटिंग रेस्ट प्लेटफॉर्म अराउंड द स्टूपा। एक जो दूसरी प्रदक्षिणा लगाई गई थी वो आपकी एक जो ड्रोम था जो बताया गया था अंड, जो टॉप उसका सर्कुलर बेस था, ठीक है, लो सर्कुलर बेस, वहाँ पे क्या किया गया था, इन्होंने एक वो लगा दिया था सेकेंड प्रदक्षिणा को। द सेकेंड प्रदक्षिणा वॉज ऑल्सो फर्निश्ड विद अ वेदिका, यानी कि रेलिंग के साथ जो सेकेंड आपकी प्रदक्षिणा थी वो आपकी वेदिका के साथ फर्निश कर दी गई थी। एंड द थर्ड वेदिका वॉज प्रोवाइडेड अराउंड द हर्मिका। हर्मिका क्या था गाइस, जो आपका टॉप ऑफ द स्टूपा था, ठीक है, उसके साथ उसको फर्निश कर दिया गया, उसको लगा दिया गया था साथ में, जो रेलिंग होती है वेदिका। ठीक है, अशोका इज सेड टू हैव ओपन द ओरिजिनल स्तूपा एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देयर रिलिक्स ओवर द 84,000 स्तूपास विच ही बिल्ट। अशोका को बोला गया था कि इसके पास ही सेट टू बी हैव एट स्तूपास, ओरिजिनल जो एट स्तूपा थे और इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 84,000 स्तूपास जो उसने बनाए थे। अमंग मैनी ऑफ द अशोकन स्तूपास, ठीक है, डैट हैव कम टू लाइट वॉस, जो भी बहुत से अशोकन स्तूपा बनवाए थे जो कि लाइट में आए थे, वॉज द मेनली कौन कौन से थे, स्तूपा एट बरहट एंड स्तूपा एट सांची वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज पिलर्स एंड देयर कैपिटल्स। ठीक है, दीज पिलर्स वर कार्व इन टू टू टाइप्स ऑफ स्टोन, दो तरह के स्टोन्स में इन्होंने कार्व किया था। द फर्स्ट वन इज गाइज वाइट स्पॉटेड एंड द सेकेंड वन इज गाइज रेड सैंड स्टोन फ्रॉम द रीजन ऑफ मथुरा, मथुरा से लाए गए थे। और एक और थे जो कि बर्फ कलर में किए गए थे, बर्फ कलर्ड फाइन ग्रेन्ड हार्ड सैंड स्टोन यूजली विद स्मॉल ब्लैक स्पॉट्स रहते थे उसमें, काले धब्बे जिसको बोलते हैं, वो क्वेरेट के कैरेट कहाँ गए थे, चुनार। चुनार कहाँ है आपका गाइस, वाराणसी से, दो जगह से लगाते थे, एक मथुरा से वाइट रंग के और रेड रंग के स्पॉटेड सैंडस्टोन या कह सकते हैं स्टोन्स लाते थे, और एक जो ब्लैक
कलर के स्पॉट्स थे वो आपके चुनार से लाते थे, चुनार नियर वाराणसी। ओके, द यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टाइल इन द पिलर कैपिटल सजेस्टेड दैट दे वर ऑल स्कल्पचर्ड बाय द क्राफ्टमैन फ्रॉम द सेम रीजन। जो उसमें जिस तरह से उन्होंने बनाया गया था, जो स्टाइल थी वो एक ही तरह के क्राफ्टमैन जो कि सेम रीजन से बिलोंग करते थे उन्होंने ही स्कल्पचर कराई थी, उन्होंने ही ऐसी मूर्तियाँ बनाई हुई थी। ठीक है, इट वुड सीन डैट द स्टोन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम मथुरा एंड चुनार टू द वेरियस साइट्स वेयर द पिलर्स हैव बीन फाउंड। ठीक है, जो आपके स्टोन थे वो ट्रांसपोर्ट करते थे मथुरा और चुनार से टू द वेरियस साइट्स वेयर द पिलर्स हैव बीन फाउंड एंड हेयर द स्टोन वॉज कर्व्ड एंड कट एंड कार्व्ड बाय द क्राफ्टमैन। पहले मथुरा और चुनार से स्टोन को ट्रांसपोर्ट करते थे, उसके बाद हर जगह ले जाते थे जहाँ जहाँ पिलर्स बनाए जाते हैं या पाए गए थे, उसके बाद वहाँ पे स्टोन्स को कट किया जाता था और कार्व्ड किया जाता था बाय द क्राफ्टमैन। ओके, दीज पिलर्स वर मेनली इरेक्टेड इन गैंगेटिक प्लेन्स। ये पिलर ज़्यादातर गैंगेटिक प्लेन्स में इरेक्ट किए गए थे, पाए गए थे यहाँ, या बर्बाद हो गए थे गैंगेटिक प्लेन्स में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनमें कौन कौन से पिलर्स इंपॉर्टेंट थे गाइज, द लॉयन कैपिटल एट सारनाथ, द बुल कैपिटल ऑफ रामपुरवा एंड द लॉयन कैपिटल ऑफ लौरिया नंदनगढ़। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक गाइज, स्कल्पचर ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। ठीक है, मूर्तियाँ कौन कौन सी थी मौर्यन पीरियड में, दिस पीरियड मार्क्ड एन इमेजिनेटिव एंड इम्प्रेसिव स्टेप फॉरवर्ड इन इंडियन स्कल्पचरिंग। ठीक है, ये जो मॉडर्न पीरियड था बहुत ही इमेजिनेटिव और बहुत ही इम्प्रेसिव स्टेप था इंडियन स्कल्पचरिंग में। ठीक है, ऑल दो सम वुड कंसिडर द पिलर्स ऑफ अशोका एज आर्किटेक्चर। ठीक है, कुछ लोगों को लगता था कि जो अशोका के जो पिलर्स थे वो आर्किटेक्चर में थे। ठीक है, ओनिंग टू देयर फेस स्टैंडिंग फ्री नेचर, मतलब अशोका के जो पिलर्स थे उसमें एक खास बात था कि वो फ्री स्टैंडिंग नेचर थे, मतलब बाकी जो पिलर्स होते थे उसमें कुछ ना कुछ उसको अटैच किया जाता था उसको सहारा देने के लिए, बट जो अशोका ने जो पिलर्स बनवाए थे वो स्टैंड फ्री नेचर के थे। ठीक है, एलाबोरेटिंग काव, अब उसमें क्या हुआ था कि एनिमल्स को यूज़ किया गया था, पिलर्स के ऊपर एनिमल्स लगा दिए गए थे। मोस्ट ऑफ द आर्ट हिस्टोरियंस कंसिडर देम एज एग्जाम्पल्स ऑफ स्कल्पचर्स। जो पहले कहते थे कि अशोका के जो पिलर्स हैं वो आर्किटेक्चर हैं, बट जो मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इसको स्कल्पचर का एग्जाम्पल दिया था। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच गाइज़।